अय्यूब की पुस्तक अध्याय 21। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 21। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब पीछे ठट्टा करना। क्या मैं किसी मनुष्य की दोहाई देता हूं? फिर मैं अधीर क्यों न हो, मेरी ओर चित लगाकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांत तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं और मेरी देह में कपकपी लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है? उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और ईश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गाय बियाती है और बच्चा कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते थे कि हमसे दूर रहो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो, उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है और उन पर विपत्ति आ पड़ती है, और परमेश्वर क्रोध करके उनके बाट में शोक देता है, और वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके लड़के बालों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उसी को दे, ताकि जब वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान की जल जलाहट में से आप पी ले, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले अपने घराने से उसका क्या काम रहा? क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहनियां दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती है, और कोई अपने जीवन में कूड़ कूड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढाक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते हो कि रईस का घर कहां रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहां रहे? परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है और महाप्रलय के समय के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं। उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा, और उसने जो किया है उसका बदला कौन देगा? तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं, और जैसे पूर्वकाल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। इसलिए तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, तो तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो?